हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आप में से काफ़ी लोगों ने कमेंट किया है H2S के बारे में जानने के लिए, तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे H2S के बारे में, जानेंगे H2S क्या है, इनसे रिलेटेड क्या हजार्ड्स हैं, उनके लिए हम क्या प्रिकॉशंस लेंगे, तो इन सब पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। निबोस और ADIS रिलेटेड क्वेश्चन पेपर के लिए या सॉल्व क्वेश्चन पेपर के लिए या अदर कोई भी सेफ्टी इन्फॉर्मेशन के लिए विजिट कर सकते हैं गूगल पे www.safetymgmtstudy.com। इस वेबसाइट पर जाइए, आपको काफ़ी सारे सेफ्टी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। H2S का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी H2S का पूरा नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड। ये एक तरह का कलरलेस गैस है, यानी इस गैस में कोई कलर नहीं होता है, ये कलरलेस गैस होता है। और ये जो स्मेल करता है, यानी जो इसका गंध आता है, ये रोटेन एग की तरह आता है, यानी सड़े हुए अंडे की तरह। जैसे हमारा सड़ा हुआ अंडा महकता है, गंध आता है उसमें, इसी तरह H2S में भी गंध आता है। तो इसे आप आसानी से पहचान सकते हैं, अगर कहीं भी कोई गैस लीकेज हो रहा है, अगर वो सड़े हुए अंडे की तरह बदबू कर रहा है, तो समझ जाइए कि ये H2S है। और ये काफ़ी फ्लेमेबल होता है और काफ़ी टॉक्सिक होता है, इसीलिए एक तरह का हजार्ड है, हमें इस पर काफ़ी कुछ ध्यान देना होता है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये काफ़ी फ्लेमेबल होता है, यानी ज्वलनशील होता है और काफ़ी टॉक्सिक भी होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड हमारे वर्कर्स के लिए एक सेफ्टी इशू है, क्योंकि ये केमिकल काफ़ी ख़तरनाक होता है, काफ़ी हजार्डस है ये केमिकल। ये ऑयल एंड गैस रिफाइनरीज में पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर केमिकल्स काफ़ी यूज होते हैं, और ऑयल एंड गैस रिफाइनरी में जो उसका प्रोसेसिंग होता है, उससे भी H2S रिलीज होता है। और जितने भी पेपर मिल्स होते हैं, जहाँ पेपर मैन्युफैक्चर होता है, या कोई भी सीवेज नाला हो, कोई भी ऑयल का टैंक हो, या वाटर का कुआं हो, वेल जिसे हम बोलते हैं, तो यहाँ पे H2S ज़्यादा पाया जाता है। तो इन सब एरिया में वर्कर्स को काफ़ी प्रिकॉशन लेना पड़ता है, क्योंकि H2S बहुत घातक एक तरह का गैस है, जो कि काफ़ी टॉक्सिक होता है। तो इसमें हम जानेंगे आगे क्या क्या सेफ्टी पे हमें ध्यान देना है, इसमें कैसे कैसे प्रिकॉशंस लेने हैं, और कहाँ कहाँ से H2S रिलीज होते हैं, उनके क्या क्या हेल्थ हजार्ड हैं, इन सब पे हम सोर्सेस ऑफ H2S। तो अभी हम जानेंगे H2S के स्रोत क्या हैं, यानी ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और किन किन मटेरियल से ये रिलीज होते हैं। तो सबसे पहला है बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, जैसे कि हमारा खाद्य सामग्री हो गया, या ऐसा कोई भी मटेरियल जो कि सड़ता गलता है एनवायरनमेंट में, वो डेड एनिमल हो सकता है, फूड हो सकता है हमारा, अगर वो सड़ते हैं गलते हैं, तो वहाँ से H2S रिलीज होता है। आपने काफ़ी बार नोटिस किया होगा, अगर आप किसी सड़क पर जा रहे हो, अगर कोई जानवर मरा मिलता है आपको, अगर वो सड़ गया है, तो उसे काफ़ी गंध आता है। तो वो जो गंध आता है, उसमें H2S हो सकता है, क्योंकि वो डिकम्पोजिबल मटेरियल है हमारा, वो सड़ता गलता है, तो वहाँ से H2S रिलीज होता है। इसीलिए हमें उस रास्ते में जाने में प्रॉब्लम होता है, हमें इरिटेशन होता है, तो ये सब प्रॉब्लम होता है H2S से। नेक्स्ट है बाई पेट्रोलियम प्रोसेसिंग। जहाँ भी ऑयल एंड रिफाइनरीज होते हैं, वहाँ पे पेट्रोलियम का यूज़ करके अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। ऑयल को रिफाइन किया जाता है, गैस रिफाइन किया जाता है, तो उस दौरान काफ़ी मात्रा में H2S रिलीज होता है। तो वैसे जगह पे H2S का ज़्यादा खतरा होता है, वहाँ पे वर्कर्स को काफ़ी सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने होते हैं, तो इन पर हम डिस्कस करेंगे क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं। नेक्स्ट है इन पेपर मिल्स। जहाँ भी पेपर मैन्युफैक्चर होते हैं, वहाँ भी H2S रिलीज होता है, क्योंकि वहाँ पे केमिकल्स काफ़ी यूज होते हैं, और जो हमारा पेपर होता है, वो एक डिकम्पोजिबल मटेरियल है, वो भी एक ऑर्गेनिक मटेरियल है, हालांकि उसमें केमिकल भी ऐड करते हैं, लेकिन फिर भी हम ऑर्गेनिक मटेरियल से ही पेपर बनाते हैं, तो वहाँ पे भी H2S रिलीज होता है, क्योंकि जो हमारा पेपर है वो सड़ता गलता है, तो उससे भी H2S रिलीज होता है। नेक्स्ट है बाई पाइपलाइन रस्ट। जो भी पाइपलाइन होते हैं, ऑयल के हो, गैस के हो, या वाटर के हो, उनमें जंग लगता है, तो इससे भी H2S रिलीज होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड एयर के मुकाबले ज़्यादा हैवियर होता है, भारी होता है, इसी वजह से जो हमारा H2S गैस होता है, वो ग्राउंड लेवल पे ही रहता है भारी होने के कारण, जिससे कि हमारे वर्कर्स को इफ़ेक्ट करता है। अगर ये हल्का होता है, तो ये ग्राउंड लेवल के ऊपर होता है, जो कि कम इफेक्ट करता है, लेकिन भारी होने के कारण ये ग्राउंड लेवल पे ही रहता है और इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा करता है। अगर हमारे वर्किंग एनवायरनमेंट में H2S का लेवल 100 PPM है, PPM का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन, H2S को हम मेजर करते हैं PPM में, तो अगर 100 PPM है, तो वहाँ पे हम काम नहीं कर सकते हैं, उस एनवायरनमेंट में काम करना हमारे लिए काफ़ी डेंजरस होगा, और इस सिचुएशन को हम बोलते हैं इमीडिएटली डेंजरस टू लाइफ एंड हेल्थ, शॉर्ट में IDLH। तो इस सिचुएशन में हम काम नहीं कर सकते हैं वहाँ पे, उस एनवायरनमेंट में एक मिनट भी काम नहीं कर सकते, वो काफ़ी हमारे लिए ख़तरनाक होगा। और अगर वर्किंग एनवायरनमेंट में H2S का लेवल 10 PPM है या इससे कम है, तो हम मैक्सिमम 8 आवर तक काम कर सकते हैं उस एनवायरनमेंट में,
8 आवर से हम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, वो हमारे लिए डेंजरस होगा। तो अगर 10 PPM है या इससे कम है तो हम मैक्सिमम 8 आवर तक काम कर सकते हैं। हेल्थ हैजार्ड्स ऑफ H2S, तो आइए अब जानते हैं H2S से हमारे हेल्थ को क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारे हेल्थ पे क्या प्रभाव डालता है। तो सबसे पहला है इट कैन कॉज आई इरीटेशन, ये हमारे आँखों को इरीटेट कर सकता है। अगर हमारे आँखों में H2S जाता है, अगर उससे हमारा संपर्क होता है तो हमारे आँखों में जलन होगा, खुजली होगा, अगर हम H2S के संपर्क में आते हैं तो। इट कैन कॉज रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स, अगर हम ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं जहाँ H2S रिलीज हो रहा है तो हमें सांस लेने में दिक्कत हो सकता है, या हमारे रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स को ये डिस्टर्ब कर सकता है, प्रॉब्लम कर सकता है, और अगर ज़्यादा मात्रा में हमने इनहेल किया तो वो डैमेज भी कर सकता है हमारे रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स को। इट कैन कॉज डिजनेस, यानी हमें चक्कर आ सकता है अगर हम H2S एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो। हेडक, हमारे सर में दर्द हो सकता है। एब्डोमिनल पेन, यानी हमारे पेट में भी दर्द हो सकता है अगर हम इसे इनहेल करते हैं तो। लॉस ऑफ कंसंट्रेशन बाय रेगुलर एक्सपोजर, अगर हम रेगुलर H2S के संपर्क में आ रहे हैं, रेगुलर हम उस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो हमारे ये कंसंट्रेशन पे इफेक्ट डाल सकता है, हमारे ब्रेन पे इफेक्ट डाल सकता है, हमें कोई भी बात याद नहीं रहेगा, हम भूलने की बीमारी हो जाएगी हमें, तो ये हमारे कंसंट्रेशन पे इफेक्ट डालता है। H2S से हमारा ब्रेन डैमेज हो सकता है, डेथ भी हो सकता है और कोई भी फैटल केस हो सकता है। अगर हम रेगुलर इस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं और अगर ज़्यादा मात्रा में H2S रिलीज हो रहा है तो ये सब बीमारियां हमें हो सकती हैं, ये सब प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में। अगर हम ऐसे किसी भी एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं जहाँ H2S रिलीज हो सकता है, हम उसके संपर्क में आ सकते हैं, तो हमें क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं। तो सबसे पहले हमें H2S डिटेक्टर यूज़ करना है। अगर हमें कहीं लगता है कि यहाँ H2S हो सकता है किसी एरिया में, अगर जहाँ हम काम कर रहे हैं, तो वहाँ सबसे पहले H2S डिटेक्टर यूज़ करेंगे H2S का पता लगाने के लिए। जैसे जितने भी ऑयल एंड रिफाइनरीज होते हैं वहाँ पे काफ़ी कन्फाइंड H2S होता है, जैसे कि हमारा ऑयल टैंक हो गया तो वहाँ H2S मौजूद हो सकता है। तो सबसे पहले उसे हम डिटेक्टर से चेक करेंगे, अगर H2S होगा तो हम पहले ही प्रिकॉशंस लेंगे। अगर हम ऐसे किसी एरिया में काम कर रहे हैं या एटमोसफेयर में काम कर रहे हैं जहाँ H2S प्रजेंट है पहले से ही, वहाँ H2S मौजूद है, तो वहाँ पे हम सूटेबल ब्रीथिंग अपार्टस लेंगे H2S से बचने के लिए, H2S के संपर्क में ना आए, इसके लिए हम सूटेबल ब्रीथिंग अपार्टस यूज़ करेंगे। जिस एरिया में भी काम कर रहे हैं यहाँ पे सफिशियंट मैकेनिकल वेंटिलेशन होना चाहिए जो कि हमारे एयर को फिल्टर करता रहेगा। नेक्स्ट है मेंटेन गुड हाउसकीपिंग, जहाँ भी हम काम कर रहे हैं वहाँ हाउसकीपिंग मेंटेन करना है, वहाँ गुड हाउसकीपिंग हमारा होना चाहिए। जितने भी हमारे डिकम्पोजिबल ऑर्गेनिक मटेरियल है उसे हम अपने वर्किंग एरिया से दूर रखेंगे ताकि उससे जो हमारा H2S रिलीज हो वो हमारे संपर्क में ना आए, जो भी हम सड़ने वाली चीज़ें उन्हें दूर रखेंगे अपने वर्किंग एरिया से। ट्रीटमेंट फॉर H2S अफेक्टेड विक्टिम, अगर ऐसा कोई भी वर्कर है, कोई भी विक्टिम है जो H2S से अफेक्टेड हो चुका है, तो उसका हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम विक्टिम को जितना जल्दी हो सके कहीं बाहर फ्रेश एयर में ले जाएंगे, और वो जो ब्रीथिंग अपार्टस यूज़ कर रहा है विक्टिम हमारा, वो बाहर ले जाने के बाद ही रिमूव करेंगे तो सही रहेगा। अगर हम बिना बाहर ले जाए रिमूव करते हैं तो ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है H2S से। अगर विक्टिम सांस नहीं ले पा रहा है, उसकी सांसें रुक गई हैं, तो आप CPR दे सकते हैं अगर आपको आता है तो, या फर्स्ट एडर को बुला सकते हैं CPR के लिए। कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसे मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करें ताकि उसकी जान जाने से बच जाए। काका नमस्कार। ये लो यार, आपके बाद पान हो रहा है, रख दो इधर, रख दो। फिर भी लोग इधर से उधर भागे हैं। वहाँ गेला हो गाड़ वाला मेला है। अरे वाचला रे, निघाला रे, निकाला रे। टोपी पड़ी बस चारी बाबा बाबा किती निघता है बघा। सब मेन मेन लोग तो जो गरीब ये बेचारे, सिंगल एक ही धमाका हुआ है ना, एक ही बस, एक के बाद कुछ नहीं, कुछ भी बता दे लोग।